नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ज्योति कनौजी और आप देख रहे हैं तेजस 24 न्यूज। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। घर में लगी अचानक आग, बिसात खाने का सामान जलकर हुआ राख। जनपद कन्नौज के हसेरन ब्लॉक क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम नगला धनुआ में महबूब खां पुत्र नूर खां लगभग 30 साल से चूड़ी व बिसात खाने का व्यापार कर रहे हैं। घर में अचानक शॉर्ट सर्किट से लगी आग, सामान जलकर हुआ खाक। घर के अंदर कमरे में अचानक आग लग गई। उसी कमरे में शाम को बच्चे खेल रहे थे। अज्ञात कारणों के चलते आग की चिंगारी पहुंच जाने से धीरे धीरे आग लग गई। घर के सभी सदस्य बाहर लेटे हुए थे, किसी को नहीं हुई जानकारी। सुबह जब महबूब खां फेरी करने के लिए जा रहे थे, जब सिंगार का सामान व चूड़ी का झूला उठाने गए तो कमरे में देखा सभी सामान राख हो गया था। आग बुझी हुई थी। आग लगने से 30-35 हजार रुपये का श्रृंगार का सामान और 50 किलो उर्द राख हो गए। जब इसकी सूचना सुबह लेखपाल को देनी चाहिए तो लेखपाल ने फोन नहीं उठाया। महबूब का अपना घर का खर्चा व भरण पोषण क्षेत्र में फेरी करके चलते थे। पीड़ित ने बताया, होली के पहले यह सब सामान दुकान से थोक में भर कर लाए गए थे। महंगाई के कारण क्षेत्र में बिक्री कम हुई थी। 30-35 हजार का सामान स्टॉक में रखा था। अब देखना यह है शासन के द्वारा आर्थिक मदद मिलती है या नहीं। कन्नौज से जिला संवाददाता शिव सैनी की रिपोर्ट। इसकी सूचना अभी तक आपने किसी अधिकारी को प्रसारित दी? लेखपाल को फोन करीब 10 बार किया जी। हाँ, वो अभी तक नहीं आई। लेखपाल ने फोन आपका उठाया था? फोन उठाओ मेरो नहीं उठाओ, फिर एक दूसरे हमारी सलाह नहीं करो। फोन माने 10 बार लगा तो उसको दोबारा उनने वापस दी रसीद। लेखपाल कौन है? अरे भैया, एक पंडित जी है। हाँ। बिजली विभाग को सूचना दी आपने? बिजली विभाग नहीं, मतलब बैंक द्वारा कुछ लोन और रखी तो हाँ, बैंक वाले उन्होंने पटोद लड़का आओ तो फोटो वोटो खींच लेंगे। अच्छा, ऐसी ही खबर से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहिए तेजस 24।